नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर भारत पर कहर बनकर टूट रही। अस्पतालों में जहां बेड नहीं मिल रहे, तो वहीं ऑक्सीजन भी विदेशों से मंगाए जा रहे। हालात ये हो गए हैं कि एक तरफ जहां लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इलाज के लिए तरस रहे हैं। ऐसे बुरे हालात में कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक उन नेताओं, सांसदों और विधायकों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं, जो इस कोरोना काल में अपने क्षेत्र के लोगों का फोन तक नहीं उठा रहे। दरअसल मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गया था। इस बात की खबर जैसे ही दक्षिण ग्वालियर से कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक को मिली, वो तुरंत अपने साथियों और समर्थकों के साथ दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे। तो वहीं टैंकर भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अस्पताल पहुंच ही रहा था कि रास्ते में खड़े सेना के वाहन की वजह से टैंकर का रास्ता ब्लॉक हो गया। इधर रास्ता ब्लॉक हो गया, उधर अस्पताल तक ऑक्सीजन पहुंचना भी बेहद जरूरी था। ऐसे में कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने आओ देखा न ताव, तुरंत सड़क पर उतर गए ट्रैफिक क्लियर कराने। विधायक प्रवीण पाठक ने रास्ते में खड़े सेना के ट्रक ड्राइवर से पहले तो हाथ जोड़कर ट्रक हटाने की अपील की, लेकिन शायद ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए तुरंत विधायक ने अपने साथियों को लेकर ट्रक को धक्का भी लगाया, तब जाकर ऑक्सीजन ला रहे टैंकर का रास्ता साफ हो सका। टैंकर का रास्ता साफ कराने के बाद विधायक प्रवीण पाठक यहीं नहीं रुके, अस्पताल तक ऑक्सीजन टैंकर को पहुंचा कर ही दम लिया। आगे आगे खुद विधायक प्रवीण पाठक दौड़ते रहे, जबकि पीछे पीछे टैंकर आ रहा। कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने खुद इसकी वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, अपने ग्वालियर के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा, एक एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा, ग्वालियर का एक एक व्यक्ति हमारी पूंजी। इस ट्वीट में विधायक ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ तक तमाम कांग्रेसी नेताओं को भी टैग किया। प्रवीण पाठक ने अस्पताल तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जो किया, उसकी तारीफ सोशल मीडिया पर भी खूब हो रही। शैलेंद्र पाल नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, सर आज आप जैसे जनप्रतिनिधियों की जरूरत है, सर इस भागदौड़ की जिंदगी में अपना ख्याल रखना। सौरभ यादव नाम के फेसबुक यूजर ने लिखा, ये ग्वालियर के कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक हैं, जो हाल ही में कोरोना से जंग जीत कर आए और अब भाग रहे, रास्ता खाली करा रहे, ट्रक को धक्का दे रहे, ऑक्सीजन टैंकर का रास्ता क्लियर करा रहे, जिससे उन लोगों तक ऑक्सीजन पहुंच सके जिन्होंने इन्हें वोट दिया था। आखिर आप अपना विधायक सांसद चुनते ही क्यों है? इसीलिए ही ना कि जरूरत में वो आपके काम आए। तो उठाइए फोन और अपने जन प्रतिनिधियों को लगातार फोन करिए, और अगर वो ना सुने तो वोट की चोट दीजिए। हेमंत आजाद नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, आपके इस परिश्रम को देखकर शायद अब ग्वालियर की जनता राजा महाराजा के पुराने वहम से निकलकर जनसेवक का साथ दे। आशीष शर्मा नाम के यूजर ने लिखा, आपका ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है सर,
आपने जो लोगों के जीवन को बचाने के लिए कार्य करना है उसे हर कांग्रेसी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सर, एक कांग्रेसी होने के नाते आपको सल्यूट है। कांग्रेस विधायक प्रवीण ने जिस तरह से अस्पताल तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए रास्ते में खड़ी गाड़ी को हटाने के लिए धक्का देने में भी संकोच नहीं किया, उसकी तारीफ सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह हो रही। ये तो सिर्फ कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक की बात बताई जो कुछ ही दिन पहले खुद कोरोना से जंग जीत कर लौटे। कुछ इसी तरह का काम बिहार की आरा विधानसभा सीट से वामपंथी विधायक मनोज मंजिल ने भी किया, जिनकी तस्वीरें इन दिनों खूब वायरल हो रही। इस तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से विधायक मनोज मंजिल अस्पताल के बाहर खुद कुर्सी लगाकर बैठ गए। बेबस से नजर आ रहे मनोज मंजिल के बारे में बताया गया कि वो अस्पताल के बाहर दरअसल इसलिए डेरा जमाए हुए कि इनके क्षेत्र से अगर कोई यहाँ इलाज के लिए आए तो उसे परेशानी ना हो। इस बात का मनोज मंजिल पूरा ख्याल रख रहे। ऐसे वक्त में जब ज्यादातर मंत्री विधायक घर में छुपे हुए, ऐसे वक्त में मनोज मंजिल और प्रवीण पाठक जैसे विधायक खुद की चिंता करने के बजाय जनता के लिए खुद को खतरे में डाल रहे हैं। बाद में